सब्सक्राइब कीजिए इस YouTube चैनल जीके विद वीके को और क्लिक कीजिए इस बेल या घंटी के निशान पर लेटेस्ट जीके ट्रिक से संबंधित वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके विद वीके में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम याद करेंगे वर्तमान में कौन क्या, यानी कि कौन सा व्यक्ति किस पद पर वर्तमान में आसीन है। इसमें भी हमें कुछ रटना या याद करना नहीं है, बस इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिल्कुल ध्यान से देखना है। और जब मैं वीडियो के अंत में आप लोगों से कुछ प्रश्न करूंगा तो आप स्वयं इस बात को जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये सब कुछ आपको आसानी से याद हो चुका है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए एक एक करके शुरू करते हैं। पहला है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति में कैसा लग रहा है शब्द, रास, रास और पति, रास लीला करने वाला पति, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि रास करने वाला पति कौन था, राम न थे, ठीक है, राम न थे, वो तो गोविंद थे, यानी कि कृष्ण भगवान थे। सभी जानते हैं ना कि कृष्ण भगवान की रासलीला, तो रास करने वाले पति कौन थे, राम न थे, कौन थे, गोविंद, यानी गोविंद, गोविंद यानी कि कृष्ण भगवान। तो इस तरीके से आपको ये याद हो जाएगा। इसके पश्चात दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति जो वेंकैया नायडू जी हैं, अब देख लीजिएगा यहाँ लिखा है उपराष्ट्रपति में उपरा, उपरा यानी कि ऊपर आ, ऊपर आ, ऐसा लग रहा है किसी को बोला जा रहा है कि ऊपर आ, क्यों, क्योंकि वाकई में नाव डूब रही है, ऐसा लग रहा है ना कि वाकई में नाव डूब रही है, इसलिए क्या कर, ऊपर आ, ऊपर आ, किसी व्यक्ति से कहा जा रहा है कि भैया ऊपर आ, ऊपर आ, क्यों ऊपर आ, क्योंकि वाकई में वो नाव डूब रही है। तो वाकई और नाव डूब रही है, आपको वेंकैया नायडू बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। इसके पश्चात है दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री, प्रधान में एक शब्द है धान, धान, धान की खेती। अब मान के चलिए धान की खेती किसी नर पर तो निर्भर नहीं है, वो तो इंद्र पर निर्भर है। नर यानी कोई मनुष्य या फिर व्यक्ति उस पर निर्भर नहीं है, वो किस पर निर्भर है, इंद्र पर निर्भर है धान की खेती। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसके पश्चात दोस्तों भारत के पहले लोकपाल, देखिए ऐसा लग रहा है किसी लोक की बात हो रही, किसी लोक की, जैसे देवलोक होते हैं वैसे मान के चलिए चंद्रलोक की बात हो रही, ठीक है। अब चंद्रलोक में किसी को पालना है तो ये मान के चलिए किसी को पाल रहे हैं चंद्रलोक में, तो उसको गोश्त खिलाना पड़ रहा है। तो चंद्र और घोष, चंद्र और घोष से आपको पिनाकी चंद्र घोष याद आ जाएगा। इसके पश्चात दोस्तों इसरो के अध्यक्ष, और इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवान। इसरो जिसको हम बोलते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हमारे भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। अब देखिए इसरो को ऐसा पढ़ के लग रहा है इसरो यानी इस लाइन में, इसरो, इसरो के सिवा, ऐसा लग रहा है ना कोई लड़का बोल रहा है या कोई लड़की बोल रही है, इसरो के सिवा न खड़ी होंगी या न खड़ा होंगे, यानी इसरो के सिवा कहीं और खड़ा न होंगे, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। इसके पश्चात है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। तो पिछड़ा वर्ग, हमारे राष्ट्र में जो पिछड़ा वर्ग है वो क्या कर रहा है, भगवान से प्रेयर कर रहा है कि हे भगवान अब हमसे सहन नहीं होता, हमको इतना तिरस्कार सहन नहीं होता, प्लीज हमारी मदद कीजिए। तो इस तरीके से आप इसको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। इसके पश्चात है 17वीं लोकसभा के स्पीकर या अध्यक्ष, ये है ओम बिरला। 17वीं से सत्र हो गया, सत्र चल रहा है लोकसभा का, और लोगों को पता चल जाए जो संसद के सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, उनको पता चल जाए कि स्पीकर तो आज आएंगे नहीं, तो क्या होता है कि वहां पे किसी का काम करने पे मन नहीं लगता और सब लोग इधर से उधर हो जाते हैं, और बिरले ही लोग, बिरले ही मतलब बहुत कम लोग वहां पर फिर रह पाते हैं, ऐसा आप इसको याद कर सकते हैं। इसके पश्चात दोस्तों भारतीय जीवन बीमा, और भारतीय जीवन बीमा निगम के जो चेयरमैन है उनका नाम है MR कुमार। देखिए जीवन का बीमा हम क्यों करवाते हैं, ताकि जब हम मर जाएं तो हमारे परिवार को उससे मदद मिल सके, हमारे नहीं रहने के बाद, ठीक है, हम नहीं रहे तो हमारे परिवार को मदद मिलना चाहिए, यानी कि कब नहीं रहेंगे हम, जब हम मर जाएंगे। MR में ऐसा लग रहा है मर 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 मर, तो मर जाएंगे हम, तो इसलिए हम जीवन बीमा करवाते हैं, तो ऐसे आपको ये याद आ जाएगा। इसके पश्चात दोस्तों मुख्य सूचना आयुक्त, अगर हमको सूचना एकत्रित करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सुध, देखिए यहाँ लिखा सुध, सुध यानी हमको हर तरफ की, हर इलाके की सुध रहनी चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है, सिर्फ अपने घर की नहीं हमको बाहर गाँव की भी, देखो बाहर गाँव, बाहर गाँव, बाहर गाँव, ऐसा लग रहा है बाहर गाँव, बाहर गाँव, बाहर गाँव की भी हमको सुध रखनी होगी, तभी जाके हम सब तरफ की सूचना एकत्रित कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये याद हो जाएगा। इसके पश्चात दोस्तों रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको हम DRDO बोलते हैं, DRDO, ऐसा लग रहा है डरा दो, डरा दो, डरा दो, डरा दो, डरा दो, है ना, तो डरा दो, डरा दो, कैसे डरा दो, यानी उसको सताओ, सताओ है ना, सतीश यानी सताओ, डरा दो या सता दो, लेकिन सामने वाला उसके लिए रेडी है, कोई भी क्या करेगा, डरा दो या सता दो की बात कर रहा है, तो ठीक है डरा दो या सता दो, लेकिन सामने वाला उसके लिए रेडी है, किसी भी तरीके से रेडी है, ऐसे आपको DRDO के महानिदेशक ये याद हो जाएंगे। इसके पश्चात है भारत के ग्रह सचिव। अब ग्रह यानी होता है घर, और घर में अगर आप सच्चाई से रहेंगे ना, देखिए घर में अगर सच्चाई से रहेंगे
तो ही आपका भला हो पाएगा, वरना घर वाले भी आपको लात मार के निकाल देंगे, ये तो मान के चलिए। दोस्तों मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और पहली बार यदि आप मेरे वीडियो को मेरे चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। इसके पश्चात दोस्तों नौसेना प्रमुख, देखिए थोड़ा फनी वे में ले रहा हूं इसको, ये नौसेना प्रमुख की बात हो रही है, नौ 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 है ना, नौ क्या होती है, कैरम में गोटियां होती है, कैरम में गोटी कितनी होती है, नौ, ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख लीजिएगा। इसके पश्चात दोस्तों भारत के कैबिनेट सचिव, और भारत के कैबिनेट सचिव वर्तमान में राजीव गौबा हैं। देखिए केबिन की बात हो रही, केबिन केबिन, अगर किसी भी व्यक्ति को बोलेंगे कि तुमको केबिन दिया जा रहा है तो वो आसानी से तुरंत राजी हो जाएगा, आसानी से राजी हो जाएगा, आपको केबिन दिया जा रहा है तो आसानी से आप राजी हो जाएंगे, तो ऐसे आपको कैबिनेट सचिव यानी राजीव गौबा आसानी से याद भी आ जाएगा। इसके पश्चात दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान के निदेशक, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान को हम बोलते हैं बार्क, और बार्क का मतलब होता है भौंकना, बार्क को हिंदी में अगर बोलेंगे तो उसका मतलब होता है भौंकना। अब यहाँ पे भाभा यानी भोभो ऐसा लग रहा है कुत्ता भौंक रहा है, ठीक है, और कुत्ता भौंक रहा है तो पत्नी कह रही है अजी सुनते हो, अजी सुनते हो, प्लीज जा करके कुत्ते को भगा दीजिए ना, कि कुत्ता भौंक रहा है, भा भा कर रहा है, भाभा यानी भोभो, भोभो भोभो कर रहा है, तो पत्नी कह रही है अपने पति से अजी सुनते हो जाके प्लीज उसको भगा दो ना, मुझे नींद नहीं आ रही है, ठीक है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। इसके पश्चात दोस्तों वित्त सचिव, ऊपर कौन थे कैबिनेट सचिव, राजीव गौबा, और नीचे जो है वित्त सचिव राजीव कुमार हैं। तो वित्त भी अगर आप किसी को देंगे, वित्त की बात आएगी तो अगर किसी को भी आप वित्त यानी पैसा देने की बात करेंगे तो कोई भी आदमी आसानी से राजी हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। इसके पश्चात है भारत के महान्यायवादी, अब देखिए महान्याय, महान्याय एक महान व्यक्ति जो सबको न्याय दे रहा है, तो क्या करना है भैया, उसके पास जाना है हमको, कैसे, वेन उठाओ और गो, वेन उठाओ और गो, किसके पास, काका के पास, क्योंकि न्याय दिला रहे हैं ना वो, काका क्या होते थे, घर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, तो हमको उनसे मिलने जाना है क्योंकि हमको न्याय चाहिए, तो कैसे न्याय मिलेगा, वैन उठाओ और गो यानी उनके पास जाओ, किन के पास, काका के पास, आपको बहुत आसानी से न्याय मिल जाएगा। इसके पश्चात है दोस्तों थल सेना अध्यक्ष, और थल सेना अध्यक्ष जो है वर्तमान में विपिन रावत जी हैं। तो हमारी थल सेना का जो काम है, हमारी थल सेना इतनी, क्योंकि थल में काम करती है थल सेना, थल में काम करती है, नौसेना जो जल सेना होती है वो जल में काम करती है, वायुसेना वायु में काम करती है, तो जो थल सेना है क्योंकि ये थल में रहती है तो इतना कठिन काम मान के चलिए कि देखिए यहाँ लिखा है पिन पिन पिन, कांटों में चलने के समान यानी पिन में चलने के समान उनका काम है, क्योंकि पैदल थल सेना पैदल ही तो चलेगी ना, तो पैदल चलेगी जमीन में, तो क्या है कांटों में या पिन में चलने के समान उनका काम, कठिन काम है, तो थल सेना अध्यक्ष आपको पिन से विपिन रावत याद आ जाएंगे। इसके पश्चात है वायुसेना अध्यक्ष, और वायुसेना अध्यक्ष जो है बी एस धनोआ है। देखिए वायु में ही आप धनुष चला सकते हैं ना, जमीन में तो चलाएंगे नहीं, हम धनुष चलाएंगे तो कहां चलाएंगे, धनुष धनु 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 धनु, तो धनु से आपको धनुष और धनोआ आसानी से याद आ जाएगा कि हम कहां चला रहे हैं धनुष, वायु में, तो ऐसे आपको ये याद आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों भारत के विदेश सचिव, अब भारत के अलावा जितने भी देश हैं वो हमारे लिए क्या है, विदेश है ना, तो वो कौन हो गए, वी के गोखले। तो हमको ऐसा लगता है कि भारत के अलावा जितने भी देश हैं यानी जितने भी विदेश हैं हमारे लिए वो सब वीक हैं, भारत की तुलना में वीक, वीक यानी कमजोर हैं, और अगर ये देखना है तो जाके देख ले देख ले देख ले, ऐसा लग रहा है गोखले देख ले, ठीक है, इस तरीके से आपको ये याद हो जाएगा। इसके पश्चात है दोस्तों सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष, और सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं प्रसून जोशी हैं। सेंसर बोर्ड का काम क्या होता है, जो फिल्में होती हैं उसमें अगर किसी प्रकार के गंदे सीन गंदे शब्द का प्रयोग किया गया है तो उसको काट देती है, तो कैसे काटेगी, जब तक सुनेगी या देखेगी नहीं, ठीक है ना, सुनेगी और देखेगी नहीं तब तक कैसे काटेगी, पूरी फिल्म को वो एक बार देखते और सुनते हैं तो सुन से सुन और प्रसून आपको याद आ जाएगा। या फिर देखिए जोश 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 की बात आ रही है, ऐसा नहीं कि जोश जोश में काट दिया, पहले सुनना भी है, ठीक है, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। इसके पश्चात दोस्तों लोक लेखा समिति के अध्यक्ष, अब लोक लेखा यानी इतने सारे लोगों का लेखा जोखा रखना है तो कैसे भाई, आपको क्या करना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा, मान के चलिए कि आपको जनसंख्या का आंकड़ा रखना है तो लोगों का लेखा जोखा रखना है तो कैसे होगा, धीरे ही धीरे होगा ना, धीर 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 धीरे धीरे होगा, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सारे का सारा काम हो जाए, लोगों का लेखा जोखा रख लें, ऐसा तो होता नहीं है, तो धीरे धीरे ही आपको ये रखना पड़ेगा, और धीर से आपको अधीर याद आएगा और अधीर से अधीर रंजन चौधरी आसानी से याद आ जाएगा। इसके पश्चात है मुख्य चुनाव आयुक्त, और मुख्य चुनाव आयुक्त जो है सुनील अरोड़ा जी हैं। चुनाव में अगर किसी प्रकार का कोई रोड़ा डाले, चुनाव में किसी भी प्रकार का कोई चुनाव हो रहा है उसमें अगर कोई रोड़ा या व्यवधान डालेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, ऐसा कौन कह रहा है,
मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहे हैं सुनील अरोड़ा जी। रोड़ा से होता है, रोड़ा मतलब किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करना। तो मुख्य चुनाव आयुक्त से आपको याद आ जाएगा, सुनील अरोड़ा जी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इसके पश्चात दोस्तों रक्षा सचिव, रक्षा सचिव जो हमारे भारत के हैं वो अजय कुमार हैं। हम सभी जानते हैं कि अगर आप किसी की रक्षा करेंगे तो आपकी जय जयकार होगी, सीधी सीधी बात है। तो जय से आपको अजय आसानी से याद आ जाएगा। इसके पश्चात है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वो है राजीव महर्षि। तो नियंत्रण की बात होती है, नियंत्रक नियंत्रक कंट्रोल करने की बात आती है, और महर्षि महर्षि यानी महाऋषि, जो महान ऋषि हुआ करते थे वो क्या करते थे, गृहस्थ जीवन तो जीते नहीं थे, वैराग्य जीवन जीते थे। तो वो अपने जीवन में अपने आप में बहुत कंट्रोल, गुस्से में कंट्रोल, खाने पीने में कंट्रोल, बहुत सारी चीजों में उनको कंट्रोल करना पड़ता था। तो कंट्रोल कौन करते थे, जो महान ऋषि होते थे, महान ऋषि। तो महान ऋषि थे महर्षि और राजीव महर्षि, आपको बहुत आसानी से ये याद आ जाएगा। इसके पश्चात दोस्तों राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA के महानिदेशक है YC मोदी। हमारे राष्ट्र में किसी भी प्रकार की जांच एजेंसी को देखने यानी सी यानी देखने का काम किसका है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का। राष्ट्र में किसी प्रकार की जांच एजेंसी की देखरेख करना है यानी सी यानी देखरेख करना है, तो कौन करेगा, मोदी जी करेंगे, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। इसके पश्चात दोस्तों सेबी, और सेबी के अध्यक्ष जो है अजय त्यागी जी हैं। सेबी यानी सेब, इसको मान ले सेब। किसी को बोला जा रहा है भाई तू सेब खाएगा क्या, तो बोलता भाई आज से मैंने सेब त्याग दी है क्योंकि मुझे पता चला है कि सेब से भी शराब बनती है, जैसे अंगूर से शराब बनती है वैसे सेब से भी शराब बनती है, तो मैं सेब नहीं खाऊंगा, आज से मैंने सेब त्याग दिया है। क्यों त्याग दिया है, क्योंकि सेब से शराब बन रही है, मुझे पता चला है। तो इस तरीके से आपको अजय त्यागी सेबी के अध्यक्ष आसानी से याद हो जाएंगे। इसके पश्चात दोस्तों रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के महानिदेशक। अब देखिए यहाँ पे लिखा है रिसर्च एंड एनालिसिस, किसी भी प्रकार की रिसर्च यानी खोज और एनालिसिस करना है तो भैया शाम को मत करना, शाम को मत करना। क्यों, क्योंकि शाम को बत्ती गुल हो जाती है, गोयल बत्ती गुल हो जाती है, इसलिए भैया शाम को किसी प्रकार की रिसर्च या एनालिसिस मत करना वरना हाथ में नहीं आएगा कोई व्यक्ति। तो शाम को मत करना वरना बत्ती गुल हो जाती है, तो ऐसे आपको याद आ जाएगा कि रिसर्च और एनालिसिस विंग के महानिदेशक सामंत गोयल है। इसके पश्चात दोस्तों भारतीय महिला आयोग की अध्यक्ष। अब महिला आयोग की बात हो रही है, महिला यहाँ लिखा है रेखा शर्मा। तो शर्म तो महिलाओं का गहना होता ही है, शर्म किसका गहना होता है, महिलाओं का गहना होता है, ऐसे इसको याद रख सकते हैं कि महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, रेखा शर्मा। इसके पश्चात है अंतिम दोस्तों सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर। साथ में अगर वेतन आएगा, साथ साथ में वेतन आएगा, एक घर में बहुत सारे लोग नौकरी कर रहे हैं, मान के चलिए 4-5 लोग नौकरी कर रहे हैं और सबका वेतन साथ में आएगा, साथ में वेतन आएगा है ना, साथ में वेतन आएगा तो क्या होगा, उस घर में कभी किसी प्रकार का शोक नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारा पैसा भैया जहां खर्च करना है वहां खर्च करो, और माँ भी थोड़ी ना डांटेगी फिर, माँ थोड़ी डांटेगी भाई तुमको, क्योंकि माँ को भी तो तुम पैसे दोगे ना कमा करके। तो इस तरीके से आपको सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष याद हो जाएगा। दोस्तों मैं आप लोग को प्रश्न पूछने वाला हूँ और आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि उन प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। पहला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति कौन है, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, भगवान लाल साहनी या करमवीर सिंह। दूसरा प्रश्न है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, सामंत गोयल, अरविंद कुमार, पद्मनाभन बालकृष्ण आचार्य या भगवान लाल साहनी। तीसरा प्रश्न है भारत के गृह सचिव कौन है, थावरचंद गहलोत, अजय कुमार भल्ला, सतीश रेड्डी या करमवीर सिंह। चौथा प्रश्न दोस्तों इसरो के अध्यक्ष कौन है, के सिवान, कृष्ण स्वामी नटराजन, पद्मनाभन बालकृष्ण आचार्य या भगवान लाल साहनी। पांचवा प्रश्न है 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला, अरविंद कुमार, भगवान लाल साहनी या करमवीर सिंह। छठवां और अंतिम प्रश्न दोस्तों भारत के पहले लोकपाल कौन है, पिनाकी चंद्र घोष, अभय श्रीनिवास ओका, सुधीर भार्गव या जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम। दोस्तों आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।